नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फ्रेंच के एक इम्पोर्टेंट वर्ब अवोआर को डिस्कस करेंगे। ये बुक जो है जनता फ्रेंच इन 2 मंथ्स, इस बुक से हम ये इम्पोर्टेंट वर्ब अवोआर है उसको सीखेंगे। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो बुक में सबसे पहले हमारा ये जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 में इसका प्रेजेंट टेंस दिया हुआ वर्ब जो हम करने लगे हैं अवोआर। ठीक है, अवोआर का मतलब होता है टू हैव, होना या रखना। ठीक है, सो ए जो है हमेशा जनरली ये जो इन्फिनिटिव्स होते हैं फ्रेंच में, दे आर रिटन विथ ये स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। ठीक है, ए शुड बी स्मॉल। ओके, सो अवोआर का क्या फंक्शन है? एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें हेल्प करता है सेंटेंस फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसका हम आज प्रेजेंट टेंस आपके साथ करेंगे। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। ठीक है, इसका सिंगुलर करते हैं एकवचन और प्लूरल बहुवचन भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक अवोआर जो है एक इररेगुलर वर्ब है। इररेगुलर का मतलब होता है कि हर सब्जेक्ट पर नाउन के साथ ये चेंज होगा, मतलब इसकी जो कॉन्जुगेशन होगी वो चेंज होगी। इवन इन इंग्लिश में भी इररेगुलर है। अगर हम आई के साथ हैव लिखते हैं, ही के साथ हम हैज ही लिखेंगे, हम हैव नहीं लिख सकते। जैसे ग्रामर के रूल्स होते हैं इंग्लिश में, हम करते आ रहे हैं तो हमें उसको रजिस्टर करना होता है, हम याद रखते रिमेम्बर रखते। इसी तरह हमें फ्रेंच के भी जो रूल्स होते हैं उसको याद रखने होंगे, रिमेम्बर करने होंगे। ठीक है, सो इसका और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि रूल्स ऑफ द लैंग्वेज है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वी के साथ हम हैज कर दें, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हम अवर की कॉन्जुगेशन करेंगे। जो का मतलब आई होता है। ठीक है, यहाँ अपोस्ट्रोफ इसलिए दिया है बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ओरिजिनली जो ये प्रोनाउन था, सब्जेक्ट का नाम कहते हैं, सब्जेक्ट का नाम होता है जो एक्शन कर रहा है, जैसे जो ट्यू इन, जो एक्शन कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट का नाम कहते हैं। तो ओरिजिनली ये जो था। ठीक है, इसके साथ जब ए आई एड हुआ तो जो के साथ जो भी अवर ऐड होता है, ये वाउल है, ये रिमूव होके इसके साथ अपोस्ट्रोफ लग जाएगा। ठीक है, इसे हम जो के साथ करते हैं। यहाँ पे आ नहीं रहा, यहाँ पे देखते हैं, सिंगल आएगा। हाँ, जे तो की जो था हमने जो रिमूव कर दिया, वो क्यों कब करते हैं? जब हम ये ए आई ए लगाते हैं। जे ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली तो ये था, बट ये दो वाउल्स इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, इसका रूल भी एक बुक में है यहाँ पर, फिर चलो लेटर ऑन देख लेंगे। वैसे दो वाउल्स जो है इकट्ठे नहीं आ सकते, तो हमने यहाँ पे इसको अपोस्ट्रोफ लगा दिया। ठीक है, और साथ में इसको स्पेस नहीं आएगी, जे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जे का मतलब होता है आई हैव, मैं रखता हूं। ठीक है, जब मेरे पास है। क्यू, यू की साउंड होती है ई विद राउंडेड लिप्स, यू क्यू आर, यू हैव, तुम रखते हो, जो तुम्हारे पास है। क्यू हम उसको रेफर करते हैं जो हमारा कोई फ्रेंड हो, हम जिसको जानते हो उसको हम रेफर करते हैं। हमारे से कोई छोटा हो एज में, कोई बच्चा है, उसको भी क्यू कह सकते हैं। ठीक है, ये हम सिंगुलर कर रहे हैं। अभी आप एक फ्रेंड को सपोज करो कह सकते हो क्यू आर। ठीक है, बाकी रूल्स ऑफ द लैंग्वेज आपको पता है, ये आ लास्ट में जो है कॉन्सोनेंट फ्रेंच में नहीं प्रनाउंस होता, आ ऐसे ही प्रनाउंस होगा। ठीक है, वो भी हम रूल्स यहाँ पे, अभी हम कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। इल आ, इल आ, ही हैज, उसके पास है, जब वह रखता है। एल आ, शी हैज, वह रखती है। तो इल का मतलब ही और एल का मतलब शी। ठीक है, इन दोनों का मतलब इट भी हो सकता है। ठीक है, इट का जो यूजेज है वो है जब कोई नाउन मैस्कुलिन होता है, जो लव मैस्कुलिन नाउन होता है उसके साथ फिर हम इल लगा लेते हैं, और फिर फेमिनिन नाउन होता है तो उसके साथ एल लगा देते हैं। इन दोनों का मतलब इट भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम यूजेज नहीं कर रहे, बट मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। ठीक है, बिकॉज यूजेज के लिए तो आपको एक एक्सरसाइज करनी चाहिए या कुछ सेंटेंसेस पढ़ने चाहिए। ठीक है, हाँ, सो लियाज्यों, यहाँ पे लिंकिंग हो जाएगी फ्रेंच में। हम लियाज्यों का अगर आपने टॉपिक किया है, नू एस जो है जो वाउल से लिंक होता है तो ज साउंड देता है। नू जाबो, नू
जो है नेजल है, एस लास्ट को प्रोनाउंस नहीं होगा, लास्ट में कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस नहीं होते फ्रेंच में। नू जावों वी हैव, हम रखते हैं जो हमारे पास है। वो ये भी लिंक हो जाएगा, लियाज़ों हो जाएगा, जावे वो जावे। ईजेड को ए प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंच में। यू हैव, आप रखते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मल है। फॉर्मल है मतलब आप किसी टीचर, आप किसी बॉस को या पेरेंट को, आपसे जो बड़े हैं उनके साथ आप यूज कर सकते हो। तो सिंगुलर भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक टीचर या एक से ज्यादा टीचर हैं तो उसके साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो सिंगुलर भी और प्लूरल भी है, ठीक है। वो जावे, वो जावे, ठीक है। इल जो, एस जो वाउल से यहाँ लिंक हो गया तो ये ज साउंड देता है, ठीक है। इल जोन, इल जोन का मतलब है दे है, उनके पास है जहाँ वे रखते हैं। तो दे मैस्कुलिन होता है, ठीक है। ये मतलब हम किसकी बात करें, मेल्स की बात करें कि उनके पास है, जो मेल्स जो कोई ग्रुप ऑफ बॉयज अगर खड़े हैं तो हम कहेंगे उनके पास जैसे मेल बुक है, ठीक है। अभी हम रीडिंग करेंगे सेंटेंसेस। इल जोन दे है, और फीमेल्स हैं तो एल, ये भी लिंक हो जाएगा, लियाज़ों है। एल जो दे है, तो जितने भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं ये एल इल, इनके बाद जब भी कोई जो आता है अव्वल की कॉन्जुगेशन आती है तो लिंक होते हैं, ठीक है। सो अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। अव्वल को कैसे हम यूज कर रहे हैं, हमने कुछ लिखे हैं सेंटेंस। जे आ क्रेयों, I have a pencil, ठीक है। आप भी अपने कुछ बना सकते हैं सेंटेंसेस बनाना चाहें तो, बिकॉज जब भी हम कोई चीज नहीं सीखते हैं उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यू आर अ लीवर, यू हैव अ बुक, नेक्स्ट है इल आ इनफियर, ही हैज अ डॉटर, उसकी एक बेटी है, ठीक है। मेरे पास एक पेंसिल है, तुम्हारे पास एक पुस्तक है, उसकी एक बेटी है, ठीक है। एल आ मो का दो, इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी शी हैज माई गिफ्ट, उसके पास मेरा तोहफा है। नेक्स्ट है नो जावो त्रुआ स्टीलो, वी हैव थ्री पेन्स, हमारे पास तीन कलमे हैं, ठीक है, पेन्स हैं। वो लिंकिंग हो जाएगी वो जावे इन बेल मेजो, इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी यू हैव अ ब्यूटिफुल होम, आपका एक खूबसूरत घर है, ठीक है। बेल का मतलब खूबसूरत होता है, मेजो मतलब होम। नेक्स्ट देखते हैं इल जो द वॉयट्यू, दे हैव टू कार्स, दे मतलब हम मेल्स की बात कर रहे हैं, कोई मेल्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ मेल्स मेन, ठीक है, आदमी है एक से ज्यादा है, ठीक है। इल जो उनके पास दो गाड़ियां हैं, ठीक है। इल जो द वॉयट्यू, एल जो इन टेलीविजन, दे हैव वन टेलीविजन। दे जो है यहाँ फीमेल्स हैं, ग्रुप ऑफ फीमेल्स हैं, जो महिलाओं का इकट्ठ है उनको कह रहे, उनके पास दे हैव, एल जो ये फीमेल्स हैं,
और ये भी दे हैव है इल जोन, और ये मेल्स है इल जोन। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को जैसे यहाँ पे बने हैं आप भी बनाएं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि तो कोई भी टॉपिक मैंने पहले बोला था उसको सीखा हमने, जैसे अभी हमने आवर सीखा है तो उसके हमने कुछ सेंटेंसेस किए हैं। ओके, और अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं। जब हमने अभी इसको किया है, अगर आपने अवर वर्ब याद कर लिया, तो यहाँ पे जो हम कोर्स करते हैं, जो जो हमसे लैंग्वेज सीखते हैं जनरली, तो फिर हम उनको एक्सरसाइजेस भी देते हैं साथ में कि वो एक्सरसाइज सॉल्व करें। ठीक है, बिकॉज एक बुक से, सिर्फ हम एक बुक से लिमिट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने अभी कॉन्जुगेशन सीखी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले कॉन्जुगेशन को अच्छे से याद करें। ठीक है, इस कॉन्जुगेशन को याद करें, इसको फिर अपनी कॉपी पे लिखें। ठीक है, तो जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि तो उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम फिर एक्सरसाइजेस करते हैं यहाँ पे। तो आपके साथ में हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो है कॉम्प्लेते अवेक्ल वर्ब अबुआ ए, कॉम्प्लेते ए। अच्छा, अवर के साथ आपको कंप्लीट करना है, मतलब आपने जो अवर में सीखा है अगर आपको याद हो गया वो, फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहले उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ हमें, नू जावो लिंकिंग हो गई। ठीक है, नू जावो इन ग्रांड मैज, वी हैव अ बिग होम। ओके, नेक्स्ट दानियल, ये किसी का नाम है, अगर आप गेस कर सकें, जनरली ये मेल नेम है, मैस्कुलिन नेम है, तो लड़का है। इन बेल वॉय थ्रू, तो अगर आपको चार्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर दोबारा चार्ट पे चले जाइए और उस चार्ट को देखिए भी सिंगुलर में क्या था। ठीक है सर, लड़का है, ये था। ठीक है, तो ये सूटेबल आपको फिर ये लगाना है। ओके, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा दानियल आ। ठीक है, आवर की हमने सुटेबल कॉन्जुगेशन लगानी है। और कॉन्जुगेशन चुनने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दानियल। तो दानियल जो है वो मेल है, जनरली हमें गेस कर सकते हैं शुरू शुरू में, तो ठीक है, ये मेल बीइंग है, मास्किन है, तो उसके पास एक खूबसूरत गाड़ी है। डैनियल हैज अ ब्यूटिफुल कार। ट्यू, ट्यू के साथ अगर आपको याद है तो ट्यू आ होता है। ठीक है, ट्यू आ, आ लिंकिंग हो जाएगी, अन अपार्टमा मोदरन। ये जो ये है इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनके बाद भी लियाज़ो में लिंकिंग होती है, लियाज़ो करते हैं। ये लियाज़ो के टॉपिक में आता है कि लिंकिंग कहाँ होती है। ट्यू आ अन अपार्टमा मोदरन, यू हैव अ मॉडर्न अपार्टमेंट, तुम्हारे पास एक मॉडर्न अपार्टमेंट है। ठीक है, इल दे, अब ये मेल्स हैं तो इसके साथ तो दोनों के साथ ओ एन टी आता है, इल जोन। दे हैव, उनके पास कात्र वेलो, दे हैव फोर साइकिल्स वेलो। वू, उनके साथ क्या आता है, याद है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप चार्ट में भी देख सकते हो, शुरू शुरू में नया नया है तो कोई बात नहीं। वो जावे आ बो बातो, यू हैव अ ब्यूटिफुल बोट। जे, हाँ, जो के साथ जे और नावियों प्रीवे, हाँ के साथ लिंकिंग हो जाएगी, नावियों प्रीवे। आई हैव अ प्राइवेट एरोप्लेन। तो इंग्लिश में जो एडजेक्टिव है वो पहले आता है, प्राइवेट पहले कहते हैं, प्राइवेट एरोप्लेन। यहाँ प्रीवी एडजेक्टिव जो है बाद में आया है। ठीक है, एडजेक्टिव के चैप्टर में होता है एक पॉइंट। नू के साथ भी बहुत आसान है, बहुत इजी है, नू जावो, नू जावो दे ताब्लो द पिकासो, वी हैव पेंटिंग्स, ताब्लो होती है पेंटिंग्स, द ऑफ पिकासो, ये नाम है पेंटर का। ठीक है, तो हमने नू के साथ क्या लगाना, हमने देखना भी कौन सी सुटेबल कॉन्जुगेशन आएगी। ठीक है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर से आप क्या करो, इसको याद करो, ये जो कॉन्जुगेशन है आपके पास,
अगर आपको आती है तो ठीक है, तो खुद करनी चाहिए एक्सरसाइज, ठीक है। और अगर नहीं आती तो फिर इसको याद करें। नेक्स्ट लास्ट है पॉल ए मार्क, कि दो हैं, दो जो है हमारे पास मेल बींग्स हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इनको, किस आपके हिसाब से इन, इसको पहले ये दो हैं जिसका मतलब है सिंगुलर में तो जाएंगे नहीं, प्लूरल में जाएंगे, तो किस सब्जेक्ट पर नाउन के साथ हम इसको चेंज करेंगे। हम भी नहीं कह सकते, हम कहेंगे वो कहेंगे, हम दे कहेंगे, इल लड़के हैं तो इल कहेंगे, ठीक है। ओ एन टी आर है, क्योंकि क्या क्यों हमने ओ एन टी चुना, पहली बात तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल वाला ही चार्ट आएगा, तो हमारे पास नहीं कहेंगे, आपके पास भी नहीं कहेंगे, उनके पास। आप अगर इसको रिप्लेस करना चाहते हो, आप कहना चाहते हो कि ये जो है सब्जेक्ट पे नाउन, ये जो है सब्जेक्ट नाउन है पॉल ए मार्क, उनके पास, ठीक है, दे है। हम ये दोनों जो सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इनके साथ, उसके बाद ऊ आए, ठीक। सो कॉल ए मार्क ऊ इन मोटो, दे हैव अ मोटो, मोटो इज अ, आई थिंक इट्स अ मोटो, आई थिंक इट्स अ मोटरसाइकिल, तो फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। आपको डिक्शनरी हमने पहले बताई थी, तो अभी भी देख लेते हैं डिक्शनरी में मीनिंग चेक करना हो भी क्या है, वेरीफाई करना हो, बिकॉज जब भी हम कोई सेंटेंस सॉल्व करें उसको सिर्फ एक्सरसाइजेस ना देखें कि हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझना चाहिए कि जो मैं एक सेंटेंस मैंने कंप्लीट किया है उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। उस सेंटेंस को समझना चाहिए फिर ही उसका कोई, मुझे लगता है बेनिफिट है, हमने कोई अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट किया है उसका मीनिंग आना चाहिए, सिर्फ एक्सरसाइज कंप्लीट करना नहीं होता, आपको उसका मीनिंग भी कंप्लीट समझ में आना चाहिए। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक ये चलता है, तो ये आवर का हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, कंप्लीट है हमारा ये टॉपिक, ओके। सो फ्यूचर में हम आपके यहाँ पर और भी अपलोड करते रहेंगे जो फ्रेंच के टॉपिक्स हैं, तो आप उस इन टॉपिक्स को क्या करें कि मैक्सिमम इन एक जो वीडियो है उसको एक से दो बार ही आप सुने, तो आप क्योंकि तो नई चीज है उसको टाइम देना चाहिए, ठीक है। और इस बुक, ये जो बुक है, ये ग्रामर की बुक है फ्रेंच की, इसमें सिर्फ जो फ्रेंच की ग्रामर को ही हमने डिस्कस किया, और जो कि बिगनर्स के लिए है, जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं। और एक हमारी बुक और है फ्रेंच की, अजंता फ्रेंच इन 1 मंथ, वो है वोकैबुलरी की बुक है, तो वो इस समय आउट ऑफ स्टॉक है, जब उस वो अवेलेबल होगी मैं आपको उसका बता देती हूँ कहाँ पर कैसी है वो, तो वो जब अवेलेबल होगी वो हम फिर अपलोड कर देंगे, आप उसको फिर अगर आप लेना चाहें, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको फिर ले सकते हैं, ठीक है। ये बुक है, ये भी बुक बहुत, इसमें वोकैबलरी लिखी हुई है, थ्रू द मीडियम ऑफ हिंदी इंग्लिश में वोकैबलरी, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी, आप स्कूल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ठीक है। प्लस जो फ्रेंच का एग्जाम होते हैं DELF A1, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। जो A1 की तैयारी करते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी, प्लस जो सर्टिफिकेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, फ्रेंच जो होता है कोर्स होता है, फ्रेंच सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है, उसमें ये बुक काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। प्लस इसमें डिक्शनरी भी है, अगर आप मिनी डिक्शनरी भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। हमारी एक डिक्शनरी भी आती है फ्रेंच की, क्योंकि तो फ्रेंच इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी है, हाँ जी, ये फ्रेंच इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, ये भी अवेलेबल है, अभी अभी स्टॉक में है। इसमें आपको क्या होगा, फ्रेंच वर्ड दिया होगा, उसमें उसका इंग्लिश का अनुवाद दिया होगा, मीनिंग दिया होगा, फिर उसका हिंदी में मीनिंग दिया,
तो अगर आपको लगे तो आप ये इसको ऑनलाइन तीनों बुक्स में से जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। अब हमारी डिक्शनरी खुल गई है तो हम जो वर्ड है वो लिखते हैं वो तो फ्रेंच टू इंग्लिश में जाएं। क्योंकि वर्ड फ्रेंच में था तो फिर हमें यहाँ सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ये हमारी डिक्शनरी का नाम है वर्ड रेफरेंस डॉट कॉम। ठीक है, ये बहुत अच्छी डिक्शनरी है, मैंने पहले भी वीडियोस में कहा हुआ है। क्योंकि जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वोकैबलरी साथ साथ इंक्रीज करेंगे तभी कोई लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। हाँ, मोटो का मतलब मोटरसाइकिल ही है। जब भी हम डिक्शनरी खोलते हैं तो हमें साथ में क्या होता है मीनिंग पता चल जाता है। साथ में अगर कोई बेसिक बिगनर है तो वो सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं और साथ में आर्टिकल भी पता चल जाता है लैंग्वेज की। तो हम यहाँ तक ही करते हैं।